हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग AS टैरोट। आज हम करने वाले हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु वालों के लिए रीड। जिनके बारे में धनु राशि वाले सोच रहे हैं, वो धनु राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए चलिए जानते हैं हम आज की अपनी इस रीडिंग में। तो मैं छोटे कार्ड्स को पहले साइड में रख देता हूँ। रीडिंग के टाइम पे आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में मैनिफेस्ट कीजिए, जिसको आप अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, या जो आपका स्पाउस है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनका नाम अपने जहन में रखिए, उनको याद कीजिए, ताकि रीडिंग क्लियर हो सके। रीडिंग के टाइम पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियर निकल के आ सकें, जो आपको मैसेज है, जो आपके लिए मैसेज यूनिवर्स लाया है, वो आप तक क्लियर पहुंच सके। सो जो आपके मन में चल रहा है उसको, जो मतलब आपका पर्सन है, उसको माइंड में रखिए इस टाइम पे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और आपको हेल्प करूँगा। आपका जो पर्सन है इस टाइम पे, मतलब आपके ऊपर ना बिल्कुल ही ब्लाइंड ट्रस्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब कि आपको ना उनके साथ अभी पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है, कुछ मतलब उनका जो एक्स था या जो उनका पास्ट था, उसको देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो विश है वो अब जाके पूरी हुई है। यूनिवर्स ने अब उनके साथ जस्टिस किया है, उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो पास्ट था वो मैं देख पा रहा हूँ अच्छा नहीं रहा, जिसे देखते हुए ना वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं आपको पाने के बाद कि उनके साथ जस्टिस हुआ है। जो यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल ताकतें हैं, उन्होंने आपके उनके जो आपका पर्सन है उनके साथ जस्टिस कर दिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ को दोगुना कर देते हैं, मतलब ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके साथ, आपके साथ रहने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जो उनका पूरा समय था, पूरा पास्ट था, आपके साथ रह के वो उसे भूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जस्टिस वाली फीलिंग है उनके मन में। यही कारण है कि वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर मतलब अंधा भरोसा जिसे बोलते हैं वो करते हैं। और आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, और मतलब आपको लेके ना काफ़ी हैप्पी हैं वो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपने पास्ट से उबर के आ रहे हैं आपके आने के बाद लाइफ में, उनकी लाइफ में खुशियां आपके आने के बाद ही है, ऐसा उनको वो सोचते हैं आपके बारे में, उनके माइंड में ऐसा चल रहा है आपको लेके, ये उनकी फीलिंग है आपके लिए इस टाइम पे, जैसा कि मुझे दिख रहा है इस सिचुएशन में, इस रीडिंग में। अगेन देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप उनकी लाइफ में ना उनका वर्ल्ड हो, आप उनका उनकी दुनिया आप बन चुके हो, आप एस ऑफ पेंटिकल्स आया, आप उनकी लाइफ में ऐसे आए हो जैसे एक नया सवेरा, आप नए सवेरे के साथ, नया सवेरा
बन के नया सवेरा ले के नई शुरुआत ले के आप उनकी लाइफ में आए हो, जो वो मतलब डिप्रेस्ड थे अपने फ्यूचर अपने पास्ट में बिल्कुल फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जिसके साथ में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो दोनों ही मुझे दर्शा रहे हैं कि ये डिप्रेस्ड वाली और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, जो मतलब उनका पास्ट था उसमें ना काफ़ी वो काफ़ी हद तक टूट चुके थे अपने पास्ट में, और आप उनकी लाइफ में आए हो, नया सवेरा लेके आए हो, नया कल लेके आए हो, इस वजह से वो आप में ही अपनी दुनिया सोच रहे हैं इस टाइम पे, आपको एज अपनी दुनिया देख रहे हैं, क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं उनके बुरे टाइम से उबरने में, बुरे टाइम को पीछे छोड़ने में। देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मतलब केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं वो आपसे, मतलब जैसा आप सोचते हैं उनके बारे में सेम वैसा वो भी सोचते हैं इस टाइम पे, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा फील हो रहा है कि मतलब उनका जो पास्ट था ना उन्हें मतलब यूज़ किया गया है, जो उनके उनका एक्स था या एक्स थी उसने फाइनेंशियली यूज़ किया है उनका, और उनसे मतलब अपना स्वार्थ पूरा किया है, जस्ट मैं तो यही कहूँगा, उनसे पैसे वगैरह ऐठे हैं खूब, और उनका ना हर तरह से शोषण किया गया है, ये मुझे दिख रहा है। इस वजह से ही ना वो अपने पास्ट में पास्ट को देखो इस टाइम पे भी थोड़ा सा वो अपने पास्ट से उलझे हुए से हैं, बट आप उनकी हेल्प करते मुझे दिख रहे हैं निकालते हुए उन्हें इस दुविधा से, और आपको भी चाहिए कि आप उन्हें ना सपोर्ट करें इस मुश्किल टाइम पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपसे वो कह नहीं रहे हैं, कह नहीं पा रहे अपने दिल की बात कि मतलब जो उनके साथ हो चुका है या जो भी उनका पास्ट था, हो सकता है वो आपसे शेयर ना करें, पर आपको उन्हें सपोर्ट करना है, आपसे सपोर्ट की उम्मीद है, उन्हें केयर की उम्मीद करते हैं वो आपसे, बेशक वो आपसे शेयर ना करें अपने मन की बात अपने पास्ट की बात, बट आपको चाहिए कि आप उनकी केयर बना के रखें, क्योंकि उनके साथ पास्ट में अच्छा नहीं रहा उनका पास्ट, मतलब उन्हें लूटा गया है, आप खुद ही देख लो। अब इन्होंने तो मतलब लॉयली पूरा अपना रिलेशनशिप रखा, और जो इनका एक्स था या थी उसने उन्हें यूज़ किया है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप्स आया है और सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि ये जो आपको पर्सन है आपके लिए काफ़ी लक्की साबित होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जो आपका ये पर्सन है आपके इनकी लाइफ में, अगर आप आए हो तो इनकी लाइफ में खुशी तो आई है, इनका टाइम अच्छा आया, बट ऐसा मुझे आपके साथ भी होता हुआ दिख रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद से ना आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, और जो आपकी लाइफ है काफ़ी हद तक स्टेबल बैलेंस्ड होने वाली है, अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है आपकी भी लाइफ इस टाइम पे, और मतलब कैरियर वाइज भी ना ये पर्सन आपके लिए लक्की साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि एज आई कैन सी मुझे दिख रहा है कि मतलब फाइनेंशियली आपका जो फ्यूचर है इस पर्सन के आने से इस पर्सन के साथ वो मुझे बेहतर होता हुआ दिख रहा है, जो आपकी बैंक बैलेंस वाली स्थिति है। देखो आपका जो पर्सन है ना इसका पास्ट में ना लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, जो इनका एक्स है या एक्स थी उसके साथ ना फिज़िकली भी मतलब हो चुके हैं इनके लड़ाई झगड़े, ऐसा मुझे फील हो रहा है, और इस वजह से ही ना ये काफ़ी
ज़्यादा इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट से मुझे दिख रहे हैं और परेशान से हैं अपने पास्ट को लेके। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा भी, उभरते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मतलब आपका जो पर्सन है, जिसे आप अपना पर्सन मान रहे हैं या जिसके प्रति आपके दिल में प्यार है, वो देखो, वो भी अपने पास्ट को छोड़ के आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसका जो पास्ट है उसे वो भूल रहा है। आपके आ जाने से ना उसकी जो लाइफ है, लाइफ में जैसे खुशियाँ लौट आई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपने पास्ट को याद तो वो करता है, बट साथ ही साथ अपने फ्यूचर को भी आपके साथ इमेजिन कर रहा है। सेवन ऑफ कप्स भी आया है, देखो उसके लाइफ में जो आप जो भी ये पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, उसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं इस टाइम पे काफ़ी, बट फिर भी ना वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। उन सबसे बेटर मतलब आप हो। आप ऐसा नहीं है कि उसके पास और ऑप्शन नहीं है, ऐसा है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, बट उसके दिल में ना आपके लिए एक अलग ही आप क्या आपका एक अलग लेवल है उनके दिल में, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओ गाइस, अगर आप सोच रहे हैं आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो मैं यही कहूँगा, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए आप, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सब चीज़ सबसे रेजोनेट होगी। बट जो आपके साथ रेजोनेट करे वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। देखो आज जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, चारों ही कार्ड मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, मेरी नज़र में पॉजिटिव हैं। ये जो फीमेल एनर्जी आई है, यानी कि जो अगर आप मेल हैं तो जो ये लेडी है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए लकी साबित होगी, और मतलब इसके साथ ना नई खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। अगर आप दोनों प्रोसीड करते हैं एक साथ, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे दिख रहा है आपका एक बेहतर फ्यूचर मुझे दिख रहा है। इस टाइम पे आप खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, आप साथ ही साथ इस लेडी के लिए भी लक्की होंगे, और ये लेडी भी आपके लिए उतनी ही लक्की होगी, क्योंकि फ़ीमेल एनर्जी मुझे इस टाइम पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। और अगर आप फीमेल हैं और आप मेरी रीडिंग देख रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मेल आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके आ जाने से आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी में ना चार चांद लगने वाले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप बेहतर से बेहतर होती हुई मुझे दिख रही हैं, और आप हर तरह से ना अच्छा ग्रो करने वाली हैं। अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप वाइज, तो भी आप बेहतर करती हुई मुझे दिख रही हैं, या मैं कहूँ करियर वाइज या फाइनेंशियली, आप हर तरह से मुझे ग्रो करती हुई दिख रही हैं इस पर्सन के आ जाने से लाइफ में। सेम चीज़ मुझे उनके लिए भी फील होती हुई दिख रही है, यानी कि जो स्पाउस हैं और जिनका सेपरेशन या मतलब तनाव वाली स्थिति है, अगर आप दोनों चीज़ों को बेहतर करने की तरफ ध्यान दें और एक दूसरे के और क्लोज़ आने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों क्लोज़ आने के बाद ना
एक दूसरे के साथ अगर वापस आते हैं तो आपकी लाइफ ना बेहतर होती हुई मुझे दिख रही है, और मच मोर बेटर होगी आपकी लाइफ, जो पहले आपकी लाइफ थी उससे काफ़ी हद तक बहुत बेहतर होने वाली है। आप दोनों हर तरह से ग्रो करेंगे ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द मून आया है, स्ट्रेंथ आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि जो आपका पर्सन है ना आपको एज स्ट्रेंथ तो देखता है ना, और एट ऑफ वॉन्ड्स आया है जिसके साथ द मून आया है, यानी कि उसे ना थोड़ा सा शक वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। उसे शक ऐसा नहीं है, मतलब शक ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या फिर आप किसी और को लाइक तो नहीं करते, या फिर मतलब अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो वो यही सोच रहे हैं कि शायद आप कहीं और कमिटेड हैं, या आपकी दिल में वो फीलिंग नहीं है उनके लिए जो उनके दिल में है। इस वजह से ना वो अपने फीलिंग्स को इजहार करने से डर रहे हैं इस टाइम पे। या अगर आप लोग, मैं कहूँ, रिलेशनशिप में हैं तो वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं, इस वजह से वो आप पर डाउट करते हैं ऐसा मुझे लगता है। और उनको ना ऐसा, मतलब एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे देखते ही लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है चीज़ें आपके साथ भी ख़राब ना हो जाए, चीज़ें बिखरती हुई उन्हें ऐसा लगता है चीज़ें बिखर ना जाए। आप दोनों में जो मेल मेल एनर्जी है, जो मतलब मेल है आप दोनों में से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे मतलब दिख रहा है। मतलब जितना फोकस्ड, जितने उसके लिए अपना मतलब लव लाइफ इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसके लिए ना अपना कैरियर भी इम्पोर्टेंट है। जितना वो अपनी लव लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही अपने कैरियर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है जिसके साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, सॉरी। तो जो आपको पर्सन है ना ऐसा है कि मतलब खुद तो अपने कैरियर में ग्रो करता ही करता है, बट जो इनके नियर और डियर वंस है ना उनकी भी हेल्प करता है कैरियर में ग्रो करने के लिए। और जितना उसे लव लाइफ में ध्यान देते हैं वो, उतना ही वो अपने कैरियर पे भी फोकस्ड मुझे दिखते हैं इस टाइम पे। एस ऑफ वॉन्ड्स स्वॉर्ड्स आया है, सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि जो मतलब आपकी और आपकी जो पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, मुझे दूर होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों उन पे विजय पाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और जो ये परेशानियां हैं, जो भी ये दुख दर्द है आप दोनों की लाइफ में, अगर आप दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ मतलब इस रिलेशनशिप में प्रोसीड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो दुख दर्द है ना ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। मुझे बस सब कुछ ये दूर होता हुआ दिख रहा है, बट चाहिए क्या कि आप दोनों को ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहना है, और कैसी भी स्थिति हो, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के एक दूसरे पर डाउट हो, बट आप दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहें, एक दूसरे पे ट्रस्ट बना के रखें, तभी आप लोग ग्रो करेंगे साथ में, और जो ये नेगेटिविटी है इस पे आप जीत पा सकेंगे। सो गाइज, ये थी आज आज की रीड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। और गाइस, अगर रेजोनेट ना भी करे तो आप प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी दूसरी रीडिंग के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और जो मैं दूसरी रीडिंग लेके आऊँगा वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।